हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ अपना बर्थडे शेयर करने वाली हूँ। मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गई अपने बर्थडे के लिए। क्या करूँ यार, मैं क्या करूँ बोलो, तुम आप ही बताओ मुझे, मैं क्या करूँ, क्या कर सकती हूँ। कुछ और पहन गया और क्या, आई हैव नो ऑप्शन लेफ्ट। मैंने इतने इतने प्यार से, इतने अच्छे से, मतलब इतने पसंद करके वो साड़ी ली थी ना, और मैंने ब्लाउज बनने दिया, और मैंने उसको 15 दिन पहले ब्लाउज बनने दिया था, और मैंने उसको बोला था कि आप प्लीज़ प्लीज़ 20th को मुझे दे देंगे, 21st 22nd मुझे पहनना है 22nd को। मैंने तो एक दिन 21st लेके भी चली थी, और जब मैं उसको सुबह से फ़ोन करी, वो मेरा फ़ोन तक नहीं उठा रही है यार, फ़ोन तक नहीं उठा रही है। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, धोखा दिया उसने मुझे, मेरा ब्लाउज नहीं बनाया। Hello friends, good morning, it's Saturday and you guessed it right, it's my birthday. But I'm really pissed off, you know why? Why? You wanna see? Okay, wait, I'll show you. Number one, ki bahut zor barish ho rahi hai, jaise ki maine aap logo ko dikhaya. Aur number two reason hai, kya hai number two? अच्छा, नंबर टू रीज़न ये है कि कल जब केक कट हो रहा था, तो मैं जब शूट के लिए कैमरा लगाया था, वो फ्रेम में नहीं आया था, तो पूरा कट गया, कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर पाई। और ये जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है रिंग, ये सरप्राइज़ भी मैं नहीं कर पाई रिकॉर्ड, इसीलिए मैं पिस्ता हूँ। और भी रीज़न है दो तीन। थर्ड रीज़न है, मुझे बहुत भूख लग रही है। और फोर्थ रीज़न है ऐसी, तो ये तो हो गए चार रीज़न। लेकिन अब मेरा बर्थडे है तो थोड़ा सा खुश होना पड़ेगा मुझे, तो खुश अब मुझे खुश मैं थोड़ी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था मेरी मेड नहीं आने वाली है, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है, मुझे पूरा काम खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन वो आ गई है बेचारी भीगते भागते, तो ये अब मेरा थोड़ा खुश होने का एक रीज़न मुझे मिला है। लेट्स सी मेरा दिन आगे कैसा जाता है। हम लोग सैटरडे को कहीं घूमने नहीं गए थे मेरे बर्थडे के दिन, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मुझे बहुत जुकाम था और फीवर था, इसीलिए हम लोग संडे इवनिंग को थोड़ा आउटिंग के लिए निकले थे। तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम लोग पहले मॉल गए थे, उसके बाद डिनर करके घर वापस आए थे। Oh my god.
बट दिस इज नॉट फेयर यार, इतना महंगा गिफ्ट तो नहीं मैंने बनाया। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट माई बर्थडे। और मैंने इस बार अपने बर्थडे पे ये सीखा कि खुशियाँ तो छोटी छोटी चीज़ों में ही होती हैं। शुरू में मेरा मूड थोड़ा ऑफ ज़रूर था, लेकिन फिर मैंने संडे को अपने चेयर अप किया और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना शुरू की। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो और आपके चेहरे पे स्माइल लाया हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।